fun, guys. Just look at the weather and just look at the landscape in which we are riding. Which is unfortunate. I mean, even if you are staying in a place like UAE, जहाँ सब लोग रूल फॉलो करते हैं, वहाँ आप क्यों एक्सेप्शन बन रहे हो यार? ग्रीन पैच है गाइस, अमेजिंग। अभी हम जा रहे हैं कॉर्निश की तरफ, जो कि सी साइड है, और होपफुली वहाँ से व्यू बहुत मस्त मिलेगा। आई विल शो यू गाइस आल्सो, बट ओवरऑल यहाँ घुसने के बाद द एंटायर जर्नी इज लाइक पिक्चरस। मतलब समझ नहीं आता कि आप कब कैमरा ऑन करोगे और आप कब कैमरा ऑफ रखोगे। What a view guys, amazing। और इसी बात पे मैं बता दूँ, इस बाइक पे खड़े होके चलाने में जो मज़ा आता है, आई विल लाइक टू गुड। अभी वी हैव टू फाइंड अ पार्किंग फॉर दिस लार्ज ग्रुप, दिस कुड बी अ चैलेंज।
यहाँ पे हो गया कॉफी ब्रेक एंड वी आर गोइंग बैक नाउ. वी आर गोइंग बैक आफ्टर द कॉफी ब्रेक. द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज वेयर वी आर गोइंग टू हैव लंच. बहुत ही अमेजिंग जगह थी यहाँ पे. छोटा सा इन्होंने मॉल टाइप बना रखा है जहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ है और काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं राइड पर. और जो बाइक का मज़ा आ रहा है वो तो अलग ही है गाइस. तो चलिए अभी चलते हैं बाइक्स पे वापस. यहाँ से जाएंगे लंच देन वहाँ से घर. वापस जाते तक भी रास्ता उतना ही पिक्चर्स होने वाला है तो आई कीप ऑन अपडेटिंग यू. सो गाइस वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर कॉफी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ. द एंटायर ग्रुप इज गेटिंग रेडी. I just need to have a word with the group leader. So let me go there. So we are heading to the lunch place now, right? Yeah. Okay. Still two groups? Sorry? Two groups or one group? One group. One group, right? What's your name again? Irwan. Irwan. Yeah. Okay. I am Amit. Do we have any long riders group or something like that? Sorry? Long riders group for GSAs who do long rides? Normally we have trips. Okay. But it's like on smaller groups. We go into okay. trips like this. Okay. Logistics. But just keep just follow the group. Okay. There will be a ride that we will announce and so on. This group, because this was made specifically for this ride. Yeah, this is specifically for this ride. So can you add me to the main group where you have all these discussions? Next time we reach Barakuda. Yeah. Just let me know. I'll add sure. You. Sure. We'll do. We'll do. Thank you. तो गाइज मैं इनसे ये कह रहा था कि यार मुझे एक्चुअल जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दो ताकि यू नो राइड्स होती है तो पता लगना चाहिए ना. और जीएसए वाली जो राइड्स होती हैं वो अलग होती हैं. मतलब ये छोटी बाइक्स को बार बार जैसे फ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ता है, हमको रुकना नहीं पड़ता है. हम लंबी राइड्स कर सकते हैं और एपेटाइट भी ना जो जीएसए राइडर्स हैं उनका एपेटाइट अपने आप ज़्यादा हो जाता है. सो यहाँ लग रहा है पार्किंग पे करनी पड़ेगी पर 10 के हिसाब से. सो विल पे एंड मूव फॉरवर्ड. यहाँ देखना पड़ेगा कोई एक जना दे रहा है या ये लग रहा है इन्होंने फ्री करवा दिए. विच इज वेरी गुड. लेट्स होप दैट इज द केस. आई थिंक एक बंदे को खड़ा रहना पड़ेगा. बंदे को खड़ा है. जो बहुत बड़ा ग्रुप है तो गाइस यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग ट्रैफिक जाम कर देते हैं तो हमको बोला गया आगे जाके रुको बिकॉज अदरवाइज दिस इज नॉट गुड. तो ट्रैफिक का भी ध्यान रखना पड़ता है. सो आगे जाके स्टेशन करते हैं खुद को. आई थिंक दैट विल बी बेटर. S1000 R Inet. तो पूरा वैरायटी देखने को मिला है आज BMW की बाइक्स का. और अमेजिंग जगह है घूमने के लिए. यहाँ फैमिली के साथ भी आऊँगा मैं ऑब्वियसली बट द होल प्लेस इज़ लाइक टू गुड. क्या हो गया, हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं? अब जस्ट वेटिंग फॉर द होल ग्रुप टू रीग्रुप आई गेस.
चले गाइस, पेट्रोल टैंक फुल है पर अभी सीधा हम बारागुड़ा जाके रुकने का प्लान कर रहे हैं लंच के लिए। मौसम जो है वो ताबड़तोड़ हो गया है और आगे मुझे डेफिनेटली सामने बारिश का अंदेशा लग रहा है। आई डोंट नो मिलेगी कि नहीं, बट अभी ऑनेस्ट नहीं मिले तो अच्छा है। किसी हालत में नहीं हूँ मैं, बारिश को कॉम्बैट करने के लिए कुछ गियर नहीं पहना हुआ है मैंने और जो मेरे बाइक में टायर्स है वो भी कम्प्लीटली रोड टायर्स है। रेन मोड पे मैंने आज तक कभी चलाया नहीं है बाइक को, तो अगर ऐसा ही रहे, मतलब धूप नहीं निकल रही है तब तक ठीक है, बट अगर बारिश होती है तो आई विल हैव टू बी रियली केयरफुल। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तक तो एकदम परफेक्ट राइड चल रही है। आप देखिए नज़ारे देखिए, एकदम बहुत ही बढ़िया वेदर है, अमेजिंग कंपनी है और क्या मतलब बाइक का आप अगर पूरा कलेक्शन देखेंगे तो 1250 GSA से लेकर डाउन टू द रेसर बाइक्स, एवरीथिंग इज देयर इन दिस ग्रुप और हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट राइट। सो अमेजिंग, मज़ा आ रहा है। शिट, आई फॉरगॉट टू क्लोज दिस, लेट मी क्विकली क्लोज दिस, नहीं तो सामान गिरने लग जाएगा। इसमें से काफ़ी स्पीड पे जा रहे हैं हम लोग। ओके, ऑल सेट। तो चलिए, जो ये मौसम सामने है ये समझ नहीं आ रहा है कि इज इट ओनली मिस्ट है या सैंड है या प्रॉपर रेन है, ये तो आगे जाके पता चलेगा। बट जो सीनरी है रास्ते की, तो कहते हैं ना कि जहाँ पहुँचना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट रास्ता मस्त होना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली दैट गाइस, जस्ट लुक एट दिस रोड, जस्ट लुक एट दिस रोड, सो ब्यूटिफुल, वाह, दिस इज टू गुड। और साथ में क्योंकि बिल्कुल तेज़ धूप नहीं है तो आपको कैमरे में आई एम श्योर यू नो अच्छा नज़र आ रहा होगा। ये दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ओह माय गॉड, लुक एट, आई डोंट नो आपको गोप्रो में कितना समझ आ रहा है बट मेरी सामने देख देख के फट रही है गाइस, जस्ट लुक एट इट, लुक्स लाइक वी आर आइदर गोइंग टू गेट रेन और इट इज गोइंग टू बी अ सैंड स्टॉर्म फॉर श्योर। Okay, we are getting some rain, my God. Oh, wow. Okay, boss. I don't think rain mode is needed now, but agar ye isse thodi si aur tez hui, to definitely rain mode mein dalna padega isko. Oops, ये तेज हो रही है, ये डेफिनेटली तेज हो रही है गाइस। एंड आई थिंक विल हैव टू स्टॉप। अब जो जो रेन गियर लेके आए हैं वो चेंज कर लेंगे। बट लुक एट दिस गाइस, वाओ। गाइज मेरे को लगता है वॉलेट मुझे अंदर वाले बैग में डाल देना चाहिए, जस्ट टू बी श्योर। आई डोंट नो ये कितना लॉन्ग लास्ट करेगा बारिश, बट जितना भी करेगा एटलीस्ट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो जिन जिन के पास रेन गियर है वो चेंज कर रहे हैं और बाकी लोग एंजॉय करेंगे वेदर को।
अब गाइस बारिश में मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे डाउट है मेरा GoPro विथ मीडिया मॉड वाटरप्रूफ है कि नहीं। हालांकि इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है कि मुझे बिल्कुल ही चिंता करनी पड़े, बट अगर आगे बहुत तेज़ बारिश मिलती है तो आई रियली हैव माई डाउट्स। इंस्टा 360 इज़ वाटरप्रूफ, इसको तो मैं स्विमिंग पूल के अंदर लेके गया हूँ। GoPro लेके गया हूँ विदाउट मीडिया मॉड, तो विथ मीडिया मॉड ये कितना वाटरप्रूफ है ये आज पता लग जाएगा। बट क्या फन है गाइस, जस्ट लुक एट द वेदर एंड जस्ट लुक एट द लैंडस्केप इन विच वी आर राइडिंग। मतलब यही तो लाइफ है यार, आई रियली फील ब्लेस्ड कि आई एम एबल टू डू दिस। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। And on top of that, you're riding the best bike that there is, right, for adventure touring or touring for that matter. So, it is fun, guys. Amazing fun. यहाँ पे इतनी बारिश नहीं लग रही है, देखिए। Hopefully gear सारा अपने आप सूख जाएगा, but ये छोटी सी बारिश में भीगने का डिसएडवांटेज क्या होता है ना कि आपका gear और बाइक दोनों गंदी हो जाती है। एडवेंचर बाइक ऑब्वियसली गंदी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट गियर ऑब्वियसली मैंने ब्लैक गियर लिया है, तो ब्लैक गियर जब गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता फोटोज़ के लिए। लेकिन अगर आप एक एडवेंचर राइडर हैं तो ऑब्वियसली आपको गियर गंदा ही अच्छा लगता है। बट दिस इज टू मच फन, टू मच। Look at the riders, look at the scenery and enjoy it. मैं लेंस थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जस्ट इन केस अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो। आई थिंक दिस इज ओके। ये ऑलमोस्ट सूखी जगह आ गया। This is the rain in UAE, guys. तो चलिए गाइज, अभी सेम रास्ता कंटिन्यू रहेगा। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। Just have a look at these guys. तो ये होता रहता है यहाँ पे रोड पे, पीपल जस्ट डोंट पे अटेंशन ऑफ द कमिंग ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड, दे जस्ट राइड ऑन और ड्राइव अलोंग। मेरे साथ दो किस्से हो चुके हैं आज। एक लैंड क्रूज़र वाला जो यू टर्न ले रहा था बिना देखे कि रोड क्लियर है कि नहीं, और एक ये बंदे भाई साहब रोड के नीचे से रोड पे आ रहे हो तो आप ये नहीं देखोगे कि पीछे से कौन आ रहा है। बेसिक्स, समटाइम्स द सिंपल बेसिक्स आर मिसिंग, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। आई मीन इवन इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ प्लेस लाइक यूएई जहाँ सब लोग रूल फॉलो करते हैं, वहाँ आप क्यों एक्सेप्शन बन रहे हो यार? तो कहते हैं ना, तुम क्यों हीरो बन रहे हो? दैट्स द पॉइंट, क्या साबित करना चाहते हो हीरो बनके। और फिर ये सब होता है एंड देन नाम किसका खराब होता है? बाइकर्स। तो दिस इज समथिंग दैट यू नो इज अनफॉर्चुनेट, बट हर एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू नो सम पीपल आर लाइक दैट अनफॉर्चुनेट। कितना भी उनको समझा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए गाइज, आई थिंक ये रास्ता मैं दिखा चुका हूँ आते वक्त, तो बोर नहीं करूँगा आपको। और अब मिलते हैं सीधा जब हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पर रुकेंगे। Whoa! Let's have a look at this view, guys. Beautiful.
So guys, I had a wonderful lunch. Now heading home. यहाँ से सब अपने अपने घर चले जाएंगे और अमेजिंग राइड थी, अमेजिंग फन था. तो चलते हैं यहाँ से और बाकी की बातें आपको घर जाके बताता हूँ मैं. सी यू एट होम. सो गाइस, ऑन द वे बैक. अभी शारजा एंटर कर चुके हैं हम और यहाँ से बस करीब 28 मिनट्स दिखा रहे हैं. सो विद इन हाफ एन आवर वी शुड बी बैक होम. अभी यहाँ पे ना शारजा में थोड़ा सा मुझे सर्कल से डर लगता है. सो आई हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल. ये सर्कल नेविगेट कर लूँ उसके बाद बात करता हूँ आप लोगों से मैं, क्योंकि मेरा एक स्टोरी हो रखा है शारजा के सर्कल पे, विच वॉज नॉट दैट प्रिटी एक्चुअली. बार ये सर्कल क्रॉस करता हूँ उसके बाद आपसे बात करता हूँ. ओके या सो गाइस, राइड अमेजिंग था अभी तक जो भी मैंने बताया आपको. एंड प्रूविंग टू बी गुड. आई हैव गॉट अ फ्रेंड आल्सो जो मेरे साथ साथ चल रहा है घर तक. एंड मेट वेरी नाइस पीपल. मोस्ट ऑफ ऑल एज आई सेड बिफोर, एंजॉयड द बाइक, एंजॉयड द राइड, एंजॉयड द कंपनी. और बाकी आपको भी मज़ा आया होगा ब्लॉग देख के. प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स कैसा लगा. और जैसा कि मैंने बोला, जस्ट लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, क्योंकि वैसे भी मुझे राइड्स तो करनी है. तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर द एक्सपीरियंस विथ यू गाइज. सो चलिए गाइज, 27 मिनट्स दिखा रहा है तो घर पहुँच के बाकी की बात करते हैं. So guys, back into Dubai. Almost 15 minutes to home now. और आपको ट्रैफिक देख के नज़र आ गया होगा, दुबई में आजकल शाम का ट्रैफिक एकदम कतल होने लग गया है. बट एनी वेज, ये रोड तो आपने देख रखी हैं तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको. बट यहाँ से अब हम शेखजायद पे हैं ऑलरेडी. तो मतलब जितना टाइम लगेगा, अराउंड 15-16 मिनट्स, डिपेंडिंग अगेन ऑन ट्रैफिक एंड कंडीशंस टू राइड. अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे और आपसे घर पे पहुंच के बात करेंगे. सी यू देन.